इस वीडियो में बात करूंगा कि जब ज्वाइनिंग लेटर और ऑफर लेटर मिलता है तो उस टाइम पे क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए या सबमिट नहीं करने चाहिए, या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है तब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए या नहीं, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे बेसिकली। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट होते हैं, बट अगर आप ये बोलो कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या एक महीने के लिए सबमिट होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी आपका फॉर एग्जांपल आपकी किसी कंपनी में जॉब लगी एंड उसके बाद क्या होता है, बेसिकली ऑफर लेटर आपको ऑन स्पॉट मिल जाता है उस कंपनी का, एंड जब आप वहाँ पे ज्वाइन करने जाते हो यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आप एक महीने या जितना भी प्रीवियस कंपनी का नोटिस पीरियड होता है वो सर्व करके जाते हो, एंड अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो फिर तुरंत जाते हो, तो वहाँ पे फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। ऑफर लेटर तो आपको मेल पे आ जाता है, ज्वाइनिंग लेटर आपको वहाँ पे दिया जाता है एंड सेम ज्वाइनिंग लेटर आपको मेल पे भी आ जाता है। तो उस टाइम पे जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा होता है बेसिकली, तब वहाँ पे चेक होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, जितना भी उनका प्रोसेस होता है तो वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो चेक करते हैं कि आपके पास कौन कौन है, कौन कौन से नहीं है, एंड वहाँ पे एक फॉर्म भी भराते हैं बेसिकली, उनका कंपनी का एक फॉर्म होता है अपना कि ये डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। तो इसके बाद वहाँ पे जितना भी जितनी टाइम का उनका प्रोसेस होता है, आधे घंटे, एक घंटे या दो घंटे का, उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिटर्न कर दिए जाते हैं। इन केस अगर कोई कंपनी ये बोलती है कि आपके डॉक्यूमेंट 10 दिन या 15 दिन या एक महीने के लिए सबमिट करने पड़ेंगे तो आप डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मत सबमिट करना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल नहीं। इन केस अगर आप वो बोलते हैं कि इसकी फ़ोटो कॉपी चाहिए तो आप फोटो कॉपी सबमिट कर सकते हो या स्कैन कॉपी सबमिट कर सकते हो, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोई भी कंपनी सबमिट नहीं कराती है और आप कभी करके वहाँ पे फंसना भी नहीं। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी का ऐसा रूल और प्रोसेस नहीं होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कराए जाएं और उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट किया जाए। वो कंपनी फेक नहीं है, सारी कुछ जेन्युइन है उस कंपनी की, तो जो फोटो कॉपी होती है, स्कैन कॉपी होती है, वो उसके थ्रू आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहाँ से इनिशिएट करा देते हैं और वहीं से ही सारा क्लियर हो जाता है। फाइनली दोस्तों यही है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं भी सबमिट मत करना, आप जितनी देर वहाँ पे बैठे हो उतनी देर वहाँ पे वेरिफिकेशन करा के और तुरंत उसको रिटर्न लेके और अपने पास रख लेने हैं। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा हो वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी।